आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। ये देश भगवाध्वज के इवत्तु नेन्ने गौरव अल्ल, सावरार वर्षद इतिहास भगवाध्वज के दे। भगवा ध्वज अंतिदने अदु त्यागद संकेत। हम एवरेस्ट पर भारत का झंडा और एयरफोर्स का झंडा, जिसकी जगह इससे अच्छी और नहीं हो सकती थी। यहाँ पर हम देश के लिए। मामला राष्ट्रवाद से शुरू हुआ था, लेकिन आज जो है वो राष्ट्र का द्रोह बनता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, तमाम ऐसे नेता हैं जो पहले, कुछ सालों पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे। तमाम देशभक्त अपने आप को साबित करने की एक होड़ लगी थी। आप बहुत नजदीक से और बारीकी से समझिएगा किस तरह राजनीति की जा रही है। ये एक सीजन होता है राजनीति का। पहले राष्ट्रवाद से ये शुरू हुआ था और आज ये राष्ट्रद्रोह में बदलता दिख रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाजपा के ही कर्नाटक के एक विधायक हैं जिन्होंने ये कहा है मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर कि देश का जो झंडा है वो आरएसएस का जो भगवा झंडा है वो होना चाहिए राष्ट्रध्वज, मतलब तिरंगे में उनको दिक्कत लग रही है। उन्होंने कहा है कि जो भगवा रंग है वो बलिदान का प्रतीक है, तो हमारे तिरंगा जो है उसमें भी तो भगवा रंग है। क्या सिर्फ युद्ध ही होना चाहिए? क्या पीस नहीं होना चाहिए? शांति नहीं होना चाहिए? हरियाली नहीं होनी चाहिए? मतलब तिरंगे के अंदर हर रंग एक मैसेज है, एक प्रतीक है हर उस चीज का जो समाज के अंदर जरूरत होती है। इस तरह का जो बयान दिया गया है, ये कर्नाटक के बीजेपी विधायक हैं के ईश्वर रप्पा जिन्होंने ये बयान दिया है। पहले इनकी एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देश भगवाध्वज के इवत्तु नेन्ने गौरव अल्ल, सावरारु वर्षद इतिहास भगवाध्वज के दे। भगवा ध्वज अंतिदने अदु त्यागद संकेत। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಾಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಭಗವಾಧ್ವಜಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಾಧ್ವಜ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಗಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಇವರು ಹೇಳದಂಗೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस का भगवा झंडा है उसे राष्ट्र ध्वज बनना चाहिए, ये बलिदान का प्रतीक है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये भगवा झंडे वाले कहां चले गए थे? जब बलिदान दिया जा रहा था, क्योंकि इन्होंने कहा है ये जो है बलिदान का प्रतीक है, तो भगवा झंडे वाले कहां चले गए थे? उस समय बलिदान देने क्यों नहीं आए? जो सावरकर थे उनको जेल हो गई थी, जेल होने के बाद जब वो 4 साल रहे थे तो उन्होंने कहा था मुझे रिहा कर दिया जाए, और आज के बाद, इस रिहाई के बाद मैं कभी भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनूंगा और अंग्रेजों का वफादार रहूंगा। जिसको आरएसएस वाले मानते हैं, उस शख्स ने आजादी के टाइम, जब बलिदान का टाइम था, तो यह बात कही थी। आज भी अगर आप देखें तो एक छोटी सी क्लिप आपके साथ साझा करूंगा, समझने में और आसानी होगी और जो देशभक्ति है वो क्या होती है वो दिखेगी। एक विंग कमांडर है विक्रम उनियाल, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उन्होंने देश का जो तिरंगा है, जो झंडा है वो फहराया है, एयरफोर्स का जो झंडा है वो फहराया है और राष्ट्रगान जो है वो गाया है। देखिए छोटा सा वीडियो, उसके बाद दोबारा आते हैं। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम एवरेस्ट पर भारत का झंडा और एयरफोर्स का झंडा, जिसकी जगह इससे अच्छी और नहीं हो सकती थी, यहाँ पर हम
देश के लिए अब राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। आप रिकॉर्ड करते रहिए, एवरेस्ट से सीधा। जनगण वन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, विंग कमांडेंट जो विक्रम है उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ के तिरंगा फहरा दिया है। अब ऐसे माहौल के अंदर एक ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, जहां पे देशभक्ति जो है वो दिख रही है, दिखाई जा रही है। लेकिन वहीं बीजेपी के कुछ नेता जो इस तरह के विवादित बयान दे देते हैं, इनसे पूछा जाए कि तिरंगे में आखिर परेशानी क्या है, इनमें ये भगवे झंडे को राष्ट्रीय झंडा क्यों बनाना चाहते हैं, क्या केवल ये बलिदान ही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ बलिदान दिया जाए। आप समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए आप। ये राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद से शुरू हुआ था, उसके बाद बदलते बदलते ये धर्म पे आया, दलितों पे आया, और आज स्थिति ये है कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे आ रहा है। पहले राम के नाम पे तकरीबन जो है वो राजनीति की गई, अब भोले बाबा जो हैं, शिव शंकर जो हैं, भगवान शिव जो हैं, उनके नाम पर राजनीति की जा रही है। मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर तमाम जो भी आकृति उठी हुई दिखती है उसको शिवलिंग घोषित करने की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात करेंगे, जब कॉरिडोर बन रहा था तब तमाम शिवलिंग जो थे वो ढाए गए थे, उस समय इनका जो है वो धर्म नहीं जागा था। ये आप समझिए कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही क्यों इन्हें शिवलिंग खोजना है, मंदिर खाली पड़े रहते हैं, मंदिरों में इतनी आस्था नहीं है, और कौन ये चुनिंदा लोग हैं। क्योंकि अगर आम आप जनता से बात करेंगे तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है रोजगार कितना मिल रहा है, उनके घर में आमदनी कितनी हो रही है, वो अपने बच्चे को परवरिश कैसी दे पा रहे हैं, वो अपने जो जीवन है उसको कैसे अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं, महंगाई जो है उसने कमर तोड़ दी है। तो तमाम जो बेसिक मुद्दे हैं, जो चिकित्सा है, जो इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, आज भी तमाम जगह जगह के लोग राजधानियों में क्यों जाते हैं, क्योंकि मुहैया नहीं है उनको इलाज। इस तरह की चीजों पे जो है आम आदमी बात करना चाहता है और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो इन मुद्दों को भूल चुकी है। क्योंकि जो टीआरपी है वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज से मिलती है जो ट्रेंड करवाई जाती है, जो सोशल मीडिया पे चटपटी बातें होती हैं और जो बहस होती है, तमाम ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं, डिबेट के अंदर जो लोग बैठते हैं उनको बिठाला जाता है, उनसे बुलवाया जाता है, कुछ सूत्र तो ये भी कहते हैं कि उनको एक गिफ्ट भी दिया जाता है, किसी तरह का भी वो हो सकता है। तो तमाम जो चीजें हैं, माहौल जो है देश के अंदर वो कैसे बनाया जा रहा है, और मौजूदा जो सरकार है उससे कोई सवाल करने लायक का बचा नहीं है। जो बोलता है मीडिया उसको चुप करा दिया जाता है, उस पर मुकदमे कायम करे जाते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो कहां से ये शुरू हुआ था, राष्ट्रवाद से चीजें शुरू हुई थी, और आज जो है वही राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले आज तिरंगे को झंडा हटाने की बात कर रहे हैं, झंडा ना मानने की बात कर रहे हैं, और आरएसएस का जो भगवा झंडा है उसको राष्ट्रध्वज घोषित करने की बात कर रहे हैं। कितने सहमत हैं आप, अपनी राय कमेंट द्वारा जरूर हमसे साझा करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, जो आज देश का माहौल है, जो राष्ट्रवाद से शुरू हुआ था और जो राष्ट्रीय झंडा है उसी पे अब आँच आनी शुरू हो गई है। कमेंट द्वारा विचार साझा करें, और अब तक अगर आपने एंटी करप्शन इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि
हमें समर्थन मिल सके आप लोगों से। आप एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।